सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर सपा सत्ता में आती है तो योगी राज में पिछले एक साल में किए गए सभी एनकाउंटर की जांच होगी। एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा है कि जांच के बाद दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, लेकिन सच में केवल एनकाउंटर से अपराध नहीं रुकेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि एक तरफ जहां यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह नोएडा में एक जिम संचालक को पुलिस वाले ने गोली मारी और झांसी एनकाउंटर के दौरान जिस तरह पुलिस इंस्पेक्टर का ऑडियो वायरल हुआ, उसने पुलिस के एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रजनीश पांडे। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है, जिस तरह से सपा मुखिया अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कयास लगाया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको फ्रंट लाइन पर चलेंगे। जिस तरीके से फर्जी इनकाउंटर का जिक्र अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते थे, ये हालिया मामला बाराबंकी के एक फर्जी इनकाउंटर को लेके हुआ है कि जिस छात्र को पुलिस इनकाउंटर बता रही है वो लॉ का स्टूडेंट है और अखिलेश यादव से उनके परिजन मिले थे। तब देर सवेर यही था कि अखिलेश यादव इस पर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो जांच कराएगी, जो लगातार पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। जी, इस पर विपक्ष का क्या कुछ, सरकार का क्या कुछ कहना है, वो इसको किस तरह से देख रहे हैं? सरकार का, अभी सरकार का इसमें कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन सरकार हमेशा से कहती रही है कि अपराधी निपटा दिए जाएंगे। और रही बात सत्ता पक्ष की, खुद मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बार बार कहते थे कि अपराधियों को जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो सरकार का ये मंशा रही है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश करना है, उनके संकल्प पत्र में रहा है। तो वो अपनी दावा करते हैं, विपक्षी पार्टी अपनी दावा कर रही है। विपक्षी पार्टी का आरोप है कि फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, सत्ता पक्ष का दावा है कि जो भी अपराधी मारे जा रहे हैं उन पर आपराधिक इतिहास रहा है। रजनीश जी, साथ ही आपको बताना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नवीन जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बड़ा बयान सपा मुखिया अखिलेश यादव का यहां पर आया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अखिलेश जी ने जो बयान दिया है, क्योंकि अखिलेश जी और अखिलेश जी की पार्टी हमेशा उत्तर प्रदेश में अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी रही है जी। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की जब सरकार बनी और हमने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी शुरू की, यहाँ तक कि अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए जो यूपी कोका लाया उसको भी अखिलेश जी की पार्टी ने विधान परिषद में गिरा दिया था जी। तो अखिलेश जी, चूंकि उनके संरक्षण में ये सारे अपराधी पले बड़े हैं, उनको सांत्वना देने के लिए कर रहे हैं। और जहां तक उनकी ये बात है कि सत्ता में आएंगे तो सत्ता तो उनके लिए दूर की कौड़ी साबित होने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ उन्होंने और उनकी पार्टी ने, या अब जिनके साथ मिलके वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इन लोगों ने 15 साल में उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो विश्वासघात किया है उसको जनता भूलने वाली नहीं है। और ये तो स्वप्न देखने के अनुसार है कि कभी हम सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। जी नवीन, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ नेशनल वॉइस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सत्ता में आने पर होगी जांच, अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि योगी राज में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उसकी जांच की जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि जांच के बाद दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, लेकिन सच में केवल एनकाउंटर से अपराध नहीं रुकेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि एक तरफ जहां यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरह नोएडा में एक जिम संचालक को पुलिस वाले ने गोली मारी और झांसी एनकाउंटर के दौरान जिस तरह पुलिस इंस्पेक्टर का ऑडियो वायरल हुआ है, उसने पुलिस के एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े किए हैं।
और साथ ही इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा प्रवक्ता सुनील। सुनील, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल वॉइस से जुड़ने के लिए। साथ ही हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से सपा मुखिया अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि इनकाउंटर को लेकर के लगातार योगी सरकार घेरे में है जी। कहीं न कहीं जिस तरीके से फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, और फर्जी इनकाउंटर के साथ साथ आप बड़े पैमाने पर देखेंगे, मैं कह रहा हूँ अब तक जितने इनकाउंटर हुए हैं जी, उनकी जाति आधार पर लिस्ट निकाल लीजिए जी, धर्म के आधार पर लिस्ट निकाल लीजिए, क्या यही अपराधी हैं? इस प्रदेश में जो संगठित अपराध चला रहे हैं वो तो सरकार के साथ बैठे हैं, सरकार का संरक्षण है उनके पास, और वही लोग सरकार में शामिल हैं। ये सरकार पहले अपराधी बनाती है, पहले इनकाउंटर करती है, बाद में इनाम घोषित करती है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम इनकाउंटर की जांच कराएंगे। जांच का मतलब है जो दोषी, जो अपराधी नहीं है उनका, जिनका इनकाउंटर हो गया है वो अफसर उनकी जगह जेल में होगी। अगर ये पुलिस वाले और अफसर अगर ये सोच रहे हैं कि योगी सरकार जीवन भर सत्ता में रहेंगे तो ये गलत फहमी में है। और उनके आधार पर अब ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक और जिलाध्यक्ष तय करेगा किसका इनकाउंटर होगा किसका नहीं होगा। अगर ये बीजेपी के लोग तय कर रहे हैं किसका इनकाउंटर होगा किसका नहीं होगा, तो इनकी जगह भी जेल के अलावा कहीं है नहीं जी। साथ ही हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे बीजेपी प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी, आप इस तरह के बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अखिलेश जी और उनकी पार्टी अपराधियों को हमेशा संरक्षण देती रही है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद जब हमने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है बिना जाति धर्म देखे हुए, तो ये उनकी बौखलाहट है। चूंकि ज्यादातर अपराधी उनके लोगों से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, तो उसकी बौखलाहट में वो ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात सत्ता में आने की, तो सत्ता तो आना तो बहुत दूर की कौड़ी है, चूंकि अखिलेश जी और उनकी जो नई पार्टनर हुई उनकी बुआ जी, इन लोगों का गठबंधन 15 साल तक उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार से लूटा उसको उत्तर प्रदेश जनता भूलने वाली नहीं है। और अभी हमारे छोटे भाई सुनील साजन जी कह रहे थे कि आप पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दे रहे थे कि अब मत भूलिए कि जीवन भर योगी जी सत्ता में रहेंगे। तो साजन जी अपराधियों को ये बताइए, नहीं नहीं साजन जी अपराधियों को ये बताइए कि जीवन भर कुछ कहना चाहेंगे आप? सत्ता में नहीं आने वाले अपराधी को संरक्षण मत दीजिए। अपराधी जो अपराधी गुट चला रहे हैं, जो अपराधी पूरे अपराधियों को संरक्षण देते हैं, वो आपके सरकार का संरक्षण पा रहे हैं। आपके सरकार के रिश्तेदार हैं वो, आपके सरकार के रिश्तेदारों के साथ बैठे हैं। और सुनिए, आप केवल भाषण मत करिए, पार्टी आप बताइए कि आपकी सरकार में कितने प्रतिशत माफिया है, नान मुस्लिम है। अरे आप मुख्यमंत्री जी का इतिहास देखिए, आप लोग की मुख्यमंत्री का इतिहास देखिए, अपराधी अपने मंत्रियों का इतिहास देखिए। हम जानते हैं ये अपराधियों की सरकार है, ये लुटेरों की सरकार है, ये जालिमों की सरकार है, ये पिछड़े और दलितों के खिलाफ सोचने वाली सामंती सरकार है। और सुनिए, चिंता करिए, गठबंधन अभी तो मुख्यमंत्री जी को हराया है। मैं तो दावा कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी लड़ उत्तर प्रदेश की किसी अपराधियों को जिस तरह से हिंदू मुसलमान क्यों देखते हैं आपके प्रधानमंत्री जी क्यों? यहाँ पर साफ तौर पर एक बयान है, यहाँ पे हिंदूवाद जातिवाद की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर सत्ता पर ये एनकाउंटर साजन जी से पूछिए कि मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी को हेलीकॉप्टर में बैठा के अखिलेश यादव क्या क्यों पांच कालिदास मार्ग ले आया गया? मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए कि इनसे पूछिए ना जरा ये। और मुख्यमंत्री जी अपने मुद्दे में कैसे हटा लेंगे सारे अपराधी, चूंकि अपराधियों से इनको पैसा नहीं हो तो पहले धंधा कराते हो, राजनीतिक संरक्षण कराने के बाद जब सरकार में आ जाते हो तो दंगाइयों के मुद्दे में वापस कर लेते हो। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार का कानून चल रहा है कि सऊदीया का कानून आपने लागू कर दिया हो रही है, वो स्वाभाविक है। अगर आपके संरक्षण कोई पला बढ़ा है और सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, मैं कह रहा हूँ अपराधी अगर कोई है, माफिया कोई है, तो उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप पिछड़े दलित और कमजोर लोगों को
आप इनकाउंटर कर रहे हैं जो अपने समाज की अगर बात रख रहे हैं तो आप घेर के आपकी पुलिस उनको इनकाउंटर कर रही है। जो पिछड़े और दलित के अन्याय के खिलाफ बोल रहे हैं उनको पुलिस जेल में भेज रही है। ये आपकी सरकार है। अपराधी होता है ना बैकवर्ड होता है ना फॉरवर्ड होता है ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। आपके सरकार में ज्यादा अपराधी आप लोग मंत्रिमंडल में बैठे हैं। दिक्कत ये है, अरे पूरी चीज में बैठे अपराधियों की हिंदू मुसलमान सुनील जी का कहना है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए सुनील जी अच्छी बात है, लेकिन दुर्भाग्य है ना कि सुनील जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, गलत पार्टी में हैं, लेकिन अपराधी ना बैकवर्ड होता है ना फॉरवर्ड होता है, अपराधी ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। यह समझिए, जो अपराध कर रहा है, अपराध में लिप्त है, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस की कार्रवाई को प्रोत्साहन दीजिए। कहीं पुलिस ने अगर कहीं गलती की है तो हमारी सरकार ने जांच भी बिठाया, मुकदमा करके जेल भी भेजा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग उत्तर प्रदेश के 22.5 करोड़ जनता के पक्ष में, उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के पक्ष में बात करिए, जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने की बात करिए, लेकिन आप सिर्फ तो सिर्फ अपराधियों की हक में बात करेंगे, अपराधी की जात की बात करेंगे कि वो हिंदू है मुसलमान है बैकवर्ड है फॉरवर्ड है दलित है, इस तरह काम चलने वाला है। और आपने जो किया 5 साल उसको जनता ने नकार दिया, इसीलिए कि आप अपराधियों की जात देख के काम करते थे, आपके संरक्षण जो पलते थे उनको संरक्षण देते थे। जवाहर बाग मथुरा का देख लीजिए, मुजफ्फरनगर कांड देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी घटनाएं। यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ पर जाति की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर फर्जी एनकाउंटर की बात चल रही है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये कहा है कि फर्जी एनकाउंटर की जांच होगी अगर वो सत्ता में आती, तो सिर्फ बात यहाँ पर फर्जी एनकाउंटर की चल रही है। जी जो फर्जी एनकाउंटर की 2-3 की शिकायत आई उसकी जांच भी गई और जो पुलिस दोषी पुलिस अधिकारी थे उनको निलंबित कर जेल भी भेजा गया, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार ने जिन पुलिस अधिकारियों ने लापरवाही की है, कहीं गलती की है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसी एक दो घटनाओं को छोड़ के बाकी जहां पुलिस ने अच्छे काम किए हैं उसकी तारीफ भी होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए? जी चलिए, नेशनल वॉइस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील साजन जी का, साथ ही नवीन श्रीवास्तव जी का जो कि सपा प्रवक्ता है और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल वॉइस के साथ जुड़ने के लिए।